प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आपका अपने दिव्य ज्ञान गंगा YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज आपको लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुका रहूंगा, चुके रहेंगी इत्यादि लगा रहे, तो ऐसी क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अनुवाद करने के नियम इसमें देखें कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का है, मतलब आई और बी है, तो उसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। अन्य कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात हैव लगा करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके पश्चात हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और फिर अन्य वर्ड का प्रयोग किए जाते हैं। आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट देख सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसका एक उदाहरण देखें हम। मैं अपना काम कर चुकूंगा। आई शैल हैव डन माई वर्क। आई शैल हैव डन माई वर्क। अगला देखें, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकूंगा या चुका रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर के आने से के पहले रोगी मर चुकेगा या चुका रहेगा। यहाँ पर होगा क्या, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाक्य है, शर्त सूचक उपवाक्य इसमें जुड़ा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जैसे कि द डॉक्टर कम्स। वर्षा शुरू होने के पहले वह घर पहुंच चुकेगा। यहाँ भी देखें, ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स। अगला इसमें का एक आपको दे रहे हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि आप इसका ट्रांसलेशन करके, मैं अगले वर्ष तक अपना मकान बना चुकूंगा। मैं अगले वर्ष तक अपना मकान बना चुकूंगा। इसका निगेटिव सेंटेंस की बनावट देखें। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल, फिर नॉट, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। हाँ सर, देखें फिर से, शैल का प्रयोग आई और बी के साथ, बाकी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। कई बार इसमें शैल की जगह सेंट लिखते हैं, या सी एच ए एन फिर कामा अपोस्ट्रोफी फिर टी, या ओंट का विल नॉट की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, ओंट ओ डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोफी फिर टी। जैसे वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, या इसको लिख सकते हैं ही वोंट हैव लर्नड इंग्लिश। मैं अगले माह तक 5 किताबें नहीं लिख चुकूंगा, इसका क्या होगा, आई शैल नॉट हैव रिटन 5 बुक्स बाई नेक्स्ट मंथ। आई शैल नॉट हैव रिटन 5 बुक्स बाई नेक्स्ट मंथ, या आई शांट हैव रिटन 5 बुक बाई नेक्स्ट मंथ। आगे देखें, तब तक वह नहीं जा चुकेगा, he will not have gone by then, he will not have gone by then। इसमें के एक ट्रांसलेशन आप लोग करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुकेगा, क्या होगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुकेगा। अगला देखें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या बनावट होती है, इसमें शैल या विल का प्रयोग वाक्य के पहले कर देते हैं। शैल या विल का प्रयोग वाक्य के पहले कर दिया जाता है। जैसे इसमें शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा, क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा, क्या होगा इसका, विल ही हैव हेल्प्ड मी। क्या हम लोग इसे देख चुकेंगे, क्या होगा, विल शैल वी हैव सीन इट। और अगला है, क्या अगले सोमवार तक तुम अपना काम समाप्त कर चुकेगे, तो इसका क्या होगा, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाई मंडे नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एट लास्ट, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।